तो भाई लोग, क्या हाल चाल यार। पबजी तो आप लोगों ने ज़रूरी खेली होगी कभी ना कभी, और अगर पबजी खेली होगी तो स्मोक ग्रेनेड का यूज़ ज़रूर किया होगा, या तो वो टीम मेट की रिवाइव करने में हो या फिर किसी भी चीज़ में। तो यार आज की वीडियो में मैंने बनाया है एक पबजी स्मोक ग्रेनेड, वो भी खुद। तो यार इसको बनाने के लिए जो सामान यूज हुआ है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर और बेकिंग सोडा। तो यार आज की वीडियो में हम इसकी करने वाले हैं टेस्टिंग, तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रेनेड के पिन है मैं इसको खींच के नीचे यहाँ पे थ्रो कर दूँगा, और फिर देखते हैं कि हमें किस प्रकार का धुआं देखने को मिलता है। क्या ये बिल्कुल पबजी वाले स्मोक ग्रेनेड की तरह काम करता है या फिर कुछ अलग। तो चलो यार इसकी पिन को खींच के वहाँ पर फेंक लेते हैं। आप देख सकते हो जो धुआं है वो बिल्कुल अभी धीरे 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 निकल रहा है। आप देखो जो धुआं है वो कितनी तेजी से निकल रहा है, जो धुआं है वो कितनी तेज से निकल रहा है। आप ये देखो धुआं जो है वो कितनी तेजी से निकल रहा है। और इसमें आग इसलिए जल रही है क्योंकि मैंने कागज का यूज किया है, जो कार्टून पेपर होता है, कार्टून मैंने गत्ते का यूज किया है, तो वो जो कागज है वो जल रहा है। आप इसे चाहो तो किसी टीन में या फिर किसी चीज़ में यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस समय देखो इसकी हालत क्या हो चुकी है, आई थिंक ये काफ़ी गर्म होगा, और मैंने सही कहा ये गर्म है अभी। और ये देखो जो कागज़ था, जो कार्टून था, वो पूरी तरीके से जल गया है। अगर आप इसे किसी टीन में या फिर किसी चीज़ में यूज करोगे तो वो नहीं जलेगा। तो यार जब भी आप इसे बनाना तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे किसी ऐसी चीज़ में बनाना जो गले ना, लाइक आप किसी लोहे में, लोहे के डब्बे में या फिर टीन के डब्बे में ऐसे जो आते हैं, या फिर आप अगर कोई परफ्यूम का डब्बा भी यूज कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।